हारी भैया को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में। चुप करो ना, बिजनेस में इंटरेस्ट है ना, नौकरी करता है तुम्हारी बच्ची को खिलाएगा क्या? आले फाज इब्राहिम और चंगेज खान। अस्सलामुअलैकुम फाजी भाई। ओए डरती उठी नहीं हो किसे? वालेकुम अस्सलाम। बुला पाए ना, वो उन दोनों की लव स्टोरी में विलन बन के खड़ी हो गई है। बको मत, फाजी ऐसा लड़का नहीं है। अरे आपके सर की कसम, मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ। बस यहाँ रोकते हैं, यहाँ रोकते हैं, आगे आगे, यहाँ पे बस बस बस। वालेकुम सलाम। तू अभी पिछले महीने तो गई थी, क्या हुआ? फिर कुछ स्यापा पढ़ गया ससुराल में? ससुराल में नहीं पढ़ा स्यापा, मैके में स्यापा पढ़ने वाला है। हाँ है, बख्तों ने फिर कोई पसूटी डाली है। हाँ वो गुलापा ने लड़की देख ली ना फाजी के लिए, वो भी रूमी को बताए बगैर। अब ये भी तो छोटी बहन है ना, इसका भी तो कोई हक बनता है। क्यों रूमी? हाँ हाँ सबको जाके बताती हूँ अभी मैं। हाँ हाँ मैं अभी रक्षे को फारिग करता हूँ, और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरती है मेरी जूती? हाँ आदि भाई देखती हूँ अभी मैं। ऐसा कुछ भी नहीं, सब गोल माल है। आप गाड़ी में बैठे, मैं अभी सामान जो है ना वो डिलीवर कराता हूँ नवाब हाउस में। इतना भारी लगता है, ईंटें भर के लाई है तो गोलापा का सर फाड़ के ही छोड़ेंगे। चाचा 10 रुपए ज्यादा ले लेना, ये वाला अंदर खुद ही ले आना। फाजी भैया आपका ना फोन चेक कर रही थी मीनू बाजी। नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोली हरी मिर्ची, अल्लाह का पक्का वादा, और थप्पड़ भी मारा था मुझे। बस हाथ और जबान ही तो चलती है इसकी, दिमाग को तो जंग लगा हुआ है ना। झूठ बोल रही है ये। क्या हो गया? क्या हुआ है? मुझसे लोग दूर से निकाल के फेंक देते हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। चल हमारी तो छुट्टी। मिर्ची एक गिलास पानी लाना जरा। अब्बा यार समझाएं इसे, रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। पागल तो नहीं हो गई है रूमी? अभी कहा रिश्ता फाइनल हुआ है। और अगर फाइनल हुआ है तो फौरन इनकार करें, फौरन। पापा कर दे इनकार। इतनी मुश्किल से तो लड़की पसंद आई थी, तुम्हें बताया नहीं मिशी? अभी ने तो मना किया था पापा कि किसी हाल में रूमी को ना पता चले। देखा देखा अम्मा, मेरी बात कितनी ज्यादा होती। अरे बाबा गोरा चिटा रंग है मर्दाना की तरह। क्या भूत के बच्चे हैं अम्मा? बिल्कुल मॉडल्स वाली हाइट है उसकी। भाभी ला रही हो या फिर उसको मीडिया में काम करवाना है? फौरन मना करे, मैं बता रही हूँ। अगर मना नहीं किया तो मैं ससुराल वापस चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी, मेरा जीना मरना खत्म। अम्मा अब मैं छोटी को नाराज नहीं कर सकता। लो कर लो यहाँ भी इनकार, फिर तुम ही कोई लड़की बताओ, क्योंकि ये तीनों तो किसी पे राजी नहीं होंगी। मैं किसका बताऊँ? फाजी भैया उसी का। हाँ उसका किसका? अरे वही। कौन वही? अरे जिससे आप प्यार करते हैं। प्यार करते? हाँ हाँ मीनू बाजी ने बताया था कि ये किसी से प्यार करते, अल्लाह का पक्का वादा। क्या बोल रही हो यार? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम ये देखो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है। तू फाजी? नहीं नहीं मैं नहीं अम्मा, मैं नहीं। तो आपका लाडला पे अब अम्मा अम्मा क्या हो गया? मैं कुछ बिस्मिल्लाह। अरे क्या हो गया? हाथ ना लगा। की बच्ची जितनी मर्जी फूके मार लो, खाना बदमजा ही होना है। और तुम भी जितनी जाए प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा अंडर 19 में ना सिलेक्शन नहीं होना है। चलो यहाँ से। फजूल। हाँ जी मटर पुलाव तैयार हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गिलास चावल में कितना पानी डाला? पूरे 6 गिलास। 6 गिलास?
अरे अल्लाह फोर लड़की, तुम्हें मटर पुलाव लग रहा है? ये तो लई बना दी तुमने, लई ना कटवाऊंगी तुम ससुराल जाके, कोई काम ढंग से नहीं करना आता। वैसे बेबे बता रही थी जब आप शादी करके आई थी ना तो आप भी अच्छी खासी फुहड़ थी। अच्छा मैं तो कौन है वो लड़की जिसके साथ चक्कर चल रहा है मेरा? कहाँ से सुनाती हो तुम बेवकूफ बातें? मुझे भी बताए थे बाजी ने, कावा टोली अक्कू बोली। हाँ तो आप लोग भी तो चले गए ना सब छोटी अम्मा के पास सिफारिश लेके। अरे हम तो सिर्फ उनकी मदद करने के लिए गए थे। और जो वहाँ मेरे खिलाफ महाज खुला गया उसे कौन बंद करवाएगा? पूछे से आप सब लोग पूछे, क्यों झूठ बोल रही है वो? मैंने तो फोन पे बात करते हुए सुना था आपको। वलीद इधर बताओ, बताओ मैंने मुझे क्यों फंसा रही हो? तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सच सच बताओ। वली चाचा मैंने सिर्फ दो जुमले सुने थे बस। रुको, ये देखकर बताओ पिछले दो दिनों से किससे फोन पे बात हो रही है मेरी? तीन कॉल्स हैं और वो भी रूमी को। जी हाँ रूमी से बात हो रही थी, अपनी नंद को फंसाना चाह रही है मेरे साथ। हेलो, उन्हें तो खोता ही खूच पाता है। अब मैं तो कुछ और ही समझी थी। तुम्हारी समझ दानी ना हमेशा से ही बहुत छोटी रही है। मीनू बेटा गलत गुमान रखना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसको कहते हैं अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। चलो सॉरी बोलो भाई को। Sorry. I don't forgive you. खाम खा की मुसीबत डाल दी मेरे गले में। चलो अभी सब नीमे नीमे होके ना, अब निकल जाओ। चलो चल किचन में, चल जाके साफ कर अपना कचरा। चलो ए मिर्ची इधर आ, जरा कंधे दबा मेरे। आप बेबे मुनीबा नाम है मेरा। अच्छा भाई मुनीबा बाजी आओ मेरे मुंडे कुट दो। तौबा चल। बस बुआ बस कर बुआ, रो रो के बुरा हाल थी गया इन तू सादा। ओ तो मेरा हा प्या सड़दा है, भाप ही निकल दिए सीने विच। ओहो बुआ जूस पीसो। लो भाई फिर शुरू हो गए फूफू भतीजा। कमबख्त मिर्ची आग लगा कर निकल गई। पता नहीं कौन होगी वो लड़की। जो भी है ना अम्मा, मैं उसकी शादी फाजी से हरगिज नहीं होने दूंगी। बेटा जिसके हाथ डोई उसका हर कोई। देखो जरा गुल की नाक के नीचे गुल खिला दिया। जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो पूरा जाने। तुम चुप करो, जानते नहीं हो मुझे। मर जाऊंगी अम्मा मैं, लेकिन वहां नहीं होने दूंगी शादी। पता नहीं कौन होगी वो लड़की। जो भी लड़की होगी तुम तीनों की बादशाहत खतरे में है। अम्मा अब्बा ने सब कुछ भाई के नाम कर रखा है। मैं बता रही हूँ अगर ऐसी वैसी आती ना सबसे पहले हम तीनों को निकाल के बाहर करेगी। बेवकूफो मैंने कहा था ना शुरू में अल्लाह मियाँ की कुगाय ढूंढो और इस बैल को किसी खंबे के साथ लगा दो। लेकिन तुम साहिबजादियों के नखरे नहीं खत्म होते, और तुम आखिरी रिश्ता भी रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो उसकी शक्ल छुरी जैसी थी, लग रहा था सबसे पहले आगे मुझे हलाल करेगी। हमारे रूमी सुन, अब अपने शोहर के कान में कुछ फूंक मत देना। मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूँ आपा कि फाजी भैया ने इतनी हिम्मत कर कैसे ली। तुम लोग मानो या ना मानो ये सारी शय उस बदपरवर की दी हुई है। तुम्हारी फूफी नन्नी भी भाग भाग के उसके पास जाती थी और ऐसा चांद चढ़ाया कि सारे खानदान ने देखा। एक बार बस मुझे पता चल जाए वो लड़की है कौन, घर जाके उसकी अच्छी इंसल्ट करूंगी मैं। बुआ चलो छोड़ो, ये लो जूस पी जूस। तू क्या कर रहा है? गरम हो गया, फूंक मार रहा है। ख्याल से भिंडी को जाया नहीं कर देना वरना एक घंटा लेक्चर देंगे चचा। बकवास बंद करो और शक्ल गुम करो अपनी। बड़ी जेम्स बॉन्ड बनी फिर रही थी, उस्ताद जी को प्यार हो गया। मुझे लगता है उन्होंने उस लड़की का नंबर ना रूमी के नाम से सेव करके रखा है अपने फोन में। रस्सी जल गई पर बल ना गया। बाजी ये क्या किया? चुप करो, बड़ी गवाहियां दे रही थी मेरे खिलाफ। मैंने क्या किया है? मिर्ची भाग गया ना उस्ताद जी का सारा गुस्सा तुझ पे उतरेगा। और तुम भी अपनी मनुष्य शक्ल ना गुम करो, क्रिकेट खेलो जाके। मुझे तो हंसी आ रही है, अब तक तो फाजी भैया को बोल्ड भी कर चुके होंगे ट्रिपल आर। ट्रिपल आर? हाँ राना रमीशा रामीन हो गए ना ट्रिपल आर। तुम ट्रिपल ना सही लेकिन डबल शर्म कर लो, बड़ी है तुमसे। अब जाओ यहाँ से, काम करे तो मुझे वरना अम्मा हिटलर बन के आ जाएंगी। अच्छा वो दुआ करना कि कल मेरी सेंचुरी हो जाए, प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ लॉन में। इंशाल्लाह सिफर पे आउट हो गए, मलंगी की बद्दुआ है।
बाजी लड़की तो कूल है पर दुनिया बड़ी फजूल है। तोड़ो टांगे अभी तुम्हारी, लगाओ तुम्हें एक, बड़ी जबान चलने लग गई है इसकी। अम्मा यार आप लोग आपा आपा आपके सर की कसम यार, झूठ बोल रही है मीनू की बच्ची। मेरे सर की कसमें मत खाओ, पहले ही दर्द से फटा जा रहा है सर। इतनी जिम्मेदारियां डाल गए अम्मी अब्बा मेरे कंधों पर, बहन भाइयों की शादियां कराना कोई आसान काम होता है? अरे आप दरवाजा तो खोलें। पहले जाकर छोटी और मंजली को मनाओ, रो रो कर बुरा हाल कर रखा है दोनों ने अपना। अब देखेंगे क्या हो। चला है या? अरे यार रो रो के मजीद आईसाइट खराब कर लोगी अपनी। अल्लाह ना करे, नफरत हो चुकी है मुझे मनुज ग्लासेस से। अरे छोड़ो इन चश्मों को, गलत फहमी हो गई थी मीनू को, ऐसा कुछ नहीं है। सच बताएं भाई, क्या सच में गलत फहमी हुई है उसे? 100% बात का बतंगड़ बना दिया उस जाहिल लड़की ने। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा ना, तुम हादी को फोन करके पूछ लो। अब इतनी सी बात पर तो नहीं कर सकती मैं उन्हें फोन। यानी तुम्हें आ रहा है यकीन? हाँ आ रहा है यकीन। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है किसी को तो आया। अब जाकर अम्मा और छोटी को देखूं। ये सारा फसाद तुमसे बात करने के चक्कर में पड़े। हाँ तो क्यों नहीं तोड़ी मीनू की गर्दन? छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उसे। पापे कुटनी बनी बनाई दूसरी बदपरवर है। शुक्र है कि मुझे हकीकत में कोई लड़की पसंद नहीं आ गई, वरना या तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जानी थी। तो जाहिर है भाई, बहनों के अरमान नहीं होते। हाँ, इन अरमान के पीछे ना मेरी बैंड बच चुकी है। सबर का फल मीठा होता है मिठल। मेरा फल तो लगता है गल सड़ गया है, बल्कि कुछ अरसे में कीड़े भी पड़ जाएंगे। बस की थी कर, बड़े अरमानों के साथ डग्गे की चोट पर करूंगी अपने मिठल का ब्याह, दुनिया देखेगी। फिलहाल तो मैं ही देखे जा रहा हूँ आप सबको। करे उस ताजी का गुस्सा ठंडा हो गया रात से, वरना तू तो गई मीनू। बेहतर यही होगा कि माफी मांग ले, वरना बेइज्जती तो तुझ पर फर्ज हो गई है। कोई कसर रह गई थी क्या? वो उस्ताद जी मैं नहीं, तुम ऐसा करो मस्जिद में जाके ऐलान कर दो, सबको बता दो मेरी किसके साथ सेटिंग है। हाँ वो गलत फहमी हो गई थी मुझे। गलत फहमी नहीं बेटा, तुम्हें खुश फहमी है खुद के अकलमंद होने की। मैं ना सारी आपियों से माफी मांग लूंगी, आप फिक्र ही मत करें। तुमने घर में कदम भी रखा ना तो सारी आपियां तुम्हारा कीमा बना देंगी, इसलिए फोन बंद करो। उस्ताद जी ऐसी शक्लों की ना नहीं होती है लव मैरिज। शक्ल तो तुम्हारी बता रही है, काफी सुथरी हुई है तुम्हारे साथ। ओए कद्दू जाके दही अंदर रखो, वरना तुम्हारी लस्सी बना दूंगी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ओए उस्ताद जी को कैसे मनाऊं? अरे ऑमलेट में टमाटर डाल दिया, तुम्हें अंदाजा नहीं कितने महंगे टमाटर इन दिनों। आपकी मौजूदगी में कोई और अंदाजा लगा सकता है भला? समझाए ने बेबे। मैं की समझावा, इसका कसूर नहीं है बेटा, कसूर उसका पेंडू पेस्ट्री का बख्तों का, जिसने कुटी दी है इसको। कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। बेबे वैसे आपकी बहू का नाम कनीस है, मगर खर्चे इसके बादशाहों जैसे हैं। ओ खुदा दा वास्ता ही हिसाब किताब बंद करो, अपनी कुड़ी पे ध्यान दो, कोई अक्ल दो उसको, ये ना हो बूए आई जान सा विनो कुड़ी दे कान। बेबे कुड़ी को बात सीरियस ही नहीं लेती। अब्बा मीनू बाजी ने रात मुझे मारा था। तुम्हें भी तो गंदी आदत होगी इधर उधर डेटा ट्रांसफर करने की, निकलो यहाँ से वरना दो चिपड़े लगाऊंगी। अरे भाई क्या जरूरत है दो थप्पड़ लगाने की जब एक से काम चलता है, आखिर आदत है ना फजूल खर्ची करने की। हाँ। तो दो पराठे खाने की क्या जरूरत है, एक पराठे से भी पेट भर जाएगा। चाचा ये लें दही। रखो सुनो सुनो सुनो, वो 50 रुपए निकालो जो बचे जल्दी। 50 रुपए तो छोड़ दें चाचा। चलो जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी।
अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, चलो जाओ। पुत्र तू थकता नहीं है चुवाने चुवाने का साफ करके? बेबे इसमें थकने वाली कौन सी बात है, आप जरा पराठे वगैरह कम खाए ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका। हद हो गई है, माँ की रोटी गिर रहा है। तौबा भी तौबा, तौबा मक्खन पड़ा सुक्का टोस्ट छुरी दे। मिर्ची अच्छा अपनी बहन से अपना माल छुपाती हो, तो बड़ी बहनें तशद्दुद करती हैं क्या छोटी बहनों पर? तो तुम्हें क्या जरूरत थी चावल मारने की? और खुद जो भेजा तो ताई और अम्मी को फाजी भैया के घर। मामला तो तुमने खराब किया था ना, वो गुलाब लोगों के सामने भांडा फोड़ के। अच्छा ना, सॉरी। सॉरी की कुछ लगती, वहाँ फाजी भाई मेरे खून के प्यासे बने घूम रहे। तो जाकर सॉरी कर ले ऊपर ऊपर से। अच्छा चल असेंबली निकालो ना, फिर मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा ले ले, लेकिन याद रखिएगा मार नहीं सिर्फ प्यार। अच्छा मेरी माँ, इमली निकालो मुंह में पानी आ रहा है। क्यों ना चल दुश्मन के मोर्चे में ना चक्कर लगा कर आते हैं। मेरी बहन आने वाली है। अरे कुछ नहीं आ रही, बहुत टाइम है, जल्दी आ जाओ। एक बार आए तो सही मीनू की बच्ची अम्मा, टांगे तोड़कर हाथ में ना पकड़ाई ना तो गुलेराना नाम नहीं है मेरा। टांगे क्यों तोड़नी है, जबान काटना जो अपनी दादी की तरह चलती है उसकी। झूठ बोल बोल कर तो काली हो चुकी होगी अब उसकी जबान। आगे पराठे। तुम फाजी से फोन पर अपनी नंद के लिए क्यों बात कर रही थी? वो ना मेरी सास ने मेरे बिना अजीरन कर दिया है। इसीलिए तुम मेरे मिठल की जिंदगी अजीरन करना चाहती हो अपनी उस तोते की नाक वाली नंद को लाकर। आप लोग सोचें जरा, अगर भाई की शादी मेरे ससुराल में हो गई तो मेरी पोजीशन कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे नहीं सोचनी ऐसी फजूल बातें। याद नहीं है तुम्हारी दूध पिलाई पर कितना हंगामा किया था तुम्हारी उस फसादन नन ने? उन्हीं बातों का बदला लेने के लिए तो मैं उसे लाना चाहती हूँ यहाँ पे। वाह जी वाह, गुल के नाक के नीचे गुल खिलाएगी मैडम, देखिए अम्मा। पर इसका मतलब ये है कि इस साल भी हम ना ही समझे। तुम शुक्र करो तुम्हें हाँ कर दी, वरना अभी भी कवारे ही खड़े होते सादकाबाद की धक्का कॉलोनी में। वल मेरी सोनी, मैं आपकी खातिर ही तो इस घर में 5 साल से घर दबाव बंद कर रह रहा हूँ ना। गुल मेरी बात सुनो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, 5 साल हो गए हैं। रहने दे अम्मा, पहले इन दो बड़े बच्चों से तो निपट लूं, इनकी शादियां अजाब बनकर रह चुकी है मेरी जिंदगी के लिए, फिर अपना सोचूंगी। मिठल, एक नया रिश्ता बताया है फल्की ने। आपा को बताया ना, मैं क्या करूंगा सुनकर। देखना तो सही, एक हीरा निकाल कर लाऊंगी अपने प्यारे इकलौते भाई के लिए। आपा, एक अदद हीरा इस घर में पहले से ही मौजूद है, बस इस जैसा ना हो। हाँ घर तपीर चल रहा बेटा। नाराज हो गए हैं, अब नाश्ता नहीं करेंगे क्या? क्यों नाश्ता क्यों नहीं करूंगा, पूरा दिन मुझे बहुत काम होते हैं। मिस्कीन भाई, कभी कभी ऑफिस का चक्कर भी लगा लिया करें, आपकी शान में मजीद कमी नहीं आएगी। तो ऑफिस आता तो हूँ तुम्हारे लिए लंच लेके। अरे यार ब्रेड पास कर। बिल्कुल ठीक कहा पास। मिस्कीन भाई अंडा देना। ले अंडा। भाई प्लीज फोन ले दे, मेरे सब दोस्तों के पास है। कल मैं बैंक में डाका डालूंगा, परसों तक अगर ना पकड़ा गया ना तो तुम्हें नया फोन ला दूंगा। क्यों तंग कर रहे हो इस बेचारे को, बेरोजगार है, जाने दो। अरे चची, एक दफा मेरा अंडर 19 में सिलेक्शन हो जाए ना, फिर दोनों हाथों से कमाऊंगा मैं। ये जिस नियत से तुम जा रहे हो ना दोनों हाथों से कमाने की, तुमने अंदर हो जाना है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। अरे कनीज, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने हमारी सुन ली। क्या हुआ, हादी को नौकरी मिल गई? अरे बस ये समझो कि घर बैठे बिठाए हादी की लॉटरी निकल आई है। मुझे कुछ पता चले क्या हुआ है? ये मुझे कौन सा प्राइज बॉन्ड निकल आया है जो इतनी खिड़खिलियां मचा रही हो, मुझे बताओ। बेबे बेबे, कल वो जो आपने इंस्टा पे अपनी और हादी की तस्वीर अपलोड की थी ना, वो एक ननी के जानने वालों को बहुत अच्छी लगी है। कैनेडा में? हाँ, और आपको पता है वो पाकिस्तान से एक नेक शरीफ लड़के का रिश्ता तलाश कर रहे हैं, और ननी ने हमारे हादी की बात डाल दी है। लो तो कैसे ना डालती, सुतेली फूफी सही हादी की, पर मैंने तो सगी समझ के उसकी शादी कराई थी, वो भी उसकी पसंद की और डंके की चोट पे। अरे बेबी आप लड़की देखिए, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और अखलौती मालिक है अपने बाप की बिजनेस की। वाह जी वाह, नौकरी और छोकरी दोनों एक साथ मिल गई। अच्छा बक्कू मत। अरे माशाल्लाह, लड़की तो मुंह मत्थे लग रही है मेरी तरह। पाकिस्तान आके रह लेगी? अरे ये क्यों पाकिस्तान आएगी, हमारा हादी जाएगा कनाडा, और आपको पता है ये वहीं जाके उसके बाप का रेस्टोरेंट भी संभालेगा। ऊपर वाला जब भी देता है देता चप्पड़ फाड़ के है।
देखेंगे भाई। हाँ यार, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो दिखाओ। हम पहले आप एक प्रॉमिस करें कि आप मुझे नया नकोर फोन लेके देंगे। और ले दूंगा यार तुझे फोन। अच्छी है ना? आपको पसंद है तो ठीक है, तो मुझे पसंद है। चल भी मिर्ची, ठोक दे स्टेटस, फीलिंग ग्रेट इन 5-star होटल विद ऑल फैमिली मेंबर। लेकिन हम तो घर पर हैं। दूर फटे मुंह तेरा, उन्होंने आके चेक करना कि हम घर पे हैं होटल में। पागले इंप्रेशन डालते हैं खानदान वालों पे, समझा कर बात को। चल पा दे। डाल दिया है, पा दिए। अब और रिलैक्स आने शुरू हो जाएंगे। अम्मी फोन ये देखिए जरा, स्टोरी भी डाल दी। खबरदार, कोई भैया भैया नहीं। सर तो कह सकती हूँ ना। फिलहाल तो तुम मेरा सर खा रही हो, जाओ अंदर। अच्छा वो मैं सॉरी कहने आई थी। अच्छा बोलो। सॉरी बोल दिया। हाँ। अब जाओ। वो आप खफा है मुझसे? नहीं नहीं, मैं तो खुशी से फट रहा हूँ। तो मैं वो पढ़ने आऊँ या नहीं? मर्जी है तुम्हारी। थैंक गॉड, मेरे मतलब थैंक गॉड कि आप मुझसे नाराज नहीं है। थैंक गॉड। इससे आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। से बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। मकई वाले, मकई मकई वाले भाई, मकई ये लो बच्चों, मकई वाले भाई इधर आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ ना। कितने का है? 50 का है मेरा बहन। 50 का? मेरी बहन के स्कूल के बाहर ना ऐसे ही 20 रुपए का मिलता है, उसके हिसाब से हुए पूरे 40। चलो बनाओ जल्दी। अच्छा अच्छा मेरा बहन, तुम 40 ही दियो। पर्स लेके थोड़ी घूम रही हो। फाजी भैया 50 रुपए देना। क्यों? वो मुझे मकई लेनी है। थैंक यू, आज तो 50 का प्रॉफिट हो गया मीनू। जल्दी करें और 60 रुपए वापस करें पहले। मेरा बहन थोड़ा पकने थोड़ा। क्या हुआ? अब्बा ने कहीं खर्चे का हिसाब किताब तो नहीं मांग लिया? मुंह बंद रखो। अरे मुंह बंद रखूंगी तो पूछूंगी कैसे कि क्या हुआ है मेरी प्यारी राज दुलारी सलमा सितारी गोटा किनारी अम्मा को? भाभी ने हादी की बात पक्की कर दी है। हो गया, डन हो गया। अल्लाह का शुक्र है। अब जा रहे हो ताने घर की सफाई करने, कबाब तलने से ना मेरी जान छुटी, बड़ा मजा आएगा। एक बात बता दूं, मैं ना सारे कपड़े अच्छी बुटीक के पहनूंगी। हाँ तुम्हारा बाप तुझे ले ना दे। मुझे घी टेढ़ी उंगली से निकालना आता है। मेरे इतनी खुशी की खबर में आपको क्यों मुंह लटका हुआ है? बस बच्चा कनाडा जा रहा है इतनी दूर। अरे मैं तो कहती हूँ आप उन लोगों को कहें कि उस्ताद जी का रिश्ता भी ना वहीं कहीं करा दें, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम फौरन कूद पड़ो अपना मसला लेकर। अरे आपको क्या पता मेरा कितना बड़ा मसला है, फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, सुबह शाम ना मेरी उस्ताद जी की आदत चित्रोल लगेगी। मेरा सर मत खाओ प्लीज। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है मेरी कितनी शो बनने वाली अपनी सारी सहेलियों के आगे। मैं ना कनाडा वाली भाभी की तस्वीर दिखा दिखा के उन्हें जेलिस करूंगी, बड़ा मजा आएगा। कहा ना मेरा सर मत खाओ। पापड़ खा रही हूँ मैं तो, आप भी खा लें। निकलोगे ये जूते उतारो। अच्छा ना, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। शुक्र है तुम्हारी इन टकरों का बिल नहीं आता, वरना मैं कब का कंगाल हो चुका होता। सॉरी अब्बा, चश्मे टूट जाते तो खामखा मैं और खर्चा। भाभी के तो कल से पैर ही नहीं टिक रहे जमीन पर, दूध में से मक्खी की तरह हमें निकाल दिया। एक लिहाज से तो अच्छा ही हुआ, निकाह होगा फोन पे और शादी का खर्चा बच जाएगा हमारा। आप भी कोर्ट मैरिज कर लेते, सिर्फ वकील का खर्चा देना पड़ता। वो तो अब्बा जी ने खर्चा किया था उस वक्त, इसीलिए करवा ली। वो भी कोई खास खर्चा नहीं हुआ था, बरी में एक से एक घटिया जोड़ा खरीदा था ससुर जी ने, बस नाम के ही नवाब थे। अच्छा बस भी कर दो और जाके देखो कितने किलो मिठाई मंगाई है भाभी ने, और कहना सब हिसाब किताब से चलें, हिसाब किताब से खर्चा बच जाएगा, नई मुसीबत आ जी। मेरा फरीदा जमीला। हाँ बेटा, हाँ सदफ, सुमेरा, अमीन भाग कर जाओ और फाजी घर जाकर ना मिठाई का डब्बा दे आओ। मैं ना बाबा ना, वहाँ में टांगे तोड़ने के मंसूबे बन रहे हैं, पूछ ले इससे। अरे नहीं भाई, उन्होंने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। हाय हाय, ये क्या तुम लोगों ने मिठाई की दुकान खोली हुई है? बेबे अच्छा हुआ आप आ गई। ताई जी आप एक काम करें, आप ना बेबे को मेरे साथ भेज दे अम्मा के घर ये मिठाई के डब्बे लेकर। हे नीमी नीमी होकर निकल यहाँ से, मैं नहीं जाती उस नैश के घर। हे बेबे समझा करे, यही तो मौका है दुश्मन के दिलों को जलाने का। सोचे
जब अम्मा को पता चलेगा कि नन्नी पुप्पो ने उनका रिश्ता कराया है तो फिर क्या होगा? सच्चे सच्चे सच्चे? मुझे तो सोच के स्वाद आ गया मतंजन का। चल फिर जल्दी जल्दी चले, जल्दी आ जा। मिठाई? अरे अरे नहीं नहीं सारे नहीं। अच्छा ये ले जाओ। डाल भी दे सुई में धागा मिशी। प्रेशर मत दे। इससे जल्दी तो मैं डाल लू, मुझे दे। मेरे चश्मे का नंबर तुझसे हल्का है, ला। है तुझे क्या हुआ? तेरा क्यों मुंह खुला हुआ? मक्खियां चली जाएंगी, बंद कर। वालेकुम सलाम। मां सकते मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इधर से बो आ रही है, किसी का दिल जल रहा है बड़ी भैड़ी तरीके से। निमी निमी आग पे। आग तो कल तेरी मीनू ने लगाई थी, इसीलिए स्मेल आ रही है। चल मीनू ठंडे पानी का छिड़काव पा के ना, जरा मिठाई तो खिला। मिठाई? अरे वाह, गुलाब जामुन तो मैं खाऊंगी। भाभी की नौकरी लग गई है क्या? हाय मेरे पुत्र को नौकरी शौकरी की कोई लोड़ नहीं है। अच्छा, कोई नया मुर्गी खाना खोल लिया होगा, चिकन चाप? ना बिना, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मुर्गियों को, कुड़ियों शिकुड़ियों से उसको बो आती बड़ी। फिर बताओ ना मीनू, गुड न्यूज क्या है? भाई हादी भैया का ना रिश्ता पक्का कर दिया नन्नी फुप्पो ने कैनेडा में। यस। चल ना मिठाई खिला इनको, जल्दी कर। दे देना फिर हमें, मसायों में भी जाने देने। ये लो। और दुआ करना मेरे बच्चे के लिए। बताओ जाके गुल को क्या लेटेस्ट गुल खिलाया है पड़ोस में, और फोन लगाओ उस नन्नी को केंडे में। हार्ट बर्न हो रहा है मुझे। नन्नी बस बस, शारा तेरे जैसी धी दुश्मन को भी ना मिले। बड़ी सगी बनती है अपनी सौतेली माँ की, ना क्या मिल गया तुझे अपनी सगी माँ का कलेजा जला के। बस तू मेरा मरा मुंह देखेगी। खाला खैर हो? इतना गुस्से में क्यों उबल रही हो? पोत जिथे आग लग दी है ते वो बाल ते आता ही है। पानी पी लो। चुप करते बेवांज। हेलो मेट। वाह, रिश्ता क्या फाइनल हुआ तेरा? सौदेबाजियां शुरू हो गई। हाँ स्पीक टू मी इन इंग्लिश ओके। भी यार मुझे सब कुछ बहुत ही डर्टी डर्टी लगना शुरू हो गया। परिंदों की हालत देखो यार, कितने गरीब किस्म के परिंदे इस मुल्क में। उफ़ अल्लाह। सदा ओवर नाउ। और ये बता, भाभी से बात हुई? नहीं नहीं, आज रात को अम्मी फोन नंबर यस करा देंगी उसका। चाची जान तो भंगड़े डाल रही होंगी खुशी से। ऐसे वैसे उनका तो बस ही चल रहा कि पहली फ्लाइट मुझे टोरंटो भिजवा दें। अच्छा यार सुन, वहां जाके ना जो मर्जी करना है कर, बस मिस्कीन भाई की तरह गुलामी मत करना भाभी की। यू आर जेलस। अबे यार जेलस नहीं हो रहा बोंगे, तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तेरे जैसे घर दामादों के लिए लिखा था इकबाल ने। बकवास बंद कर, मैं यहां से जा रहा हूं इससे पहले कि मेरी गैरत जाग उठे। तू बैठ के यहां पर अमेरिकन सुन्नी वाली स्प्रे भेज। बेस्ट ऑफ लक जगह, लव यू। हाँ अब तो हर कोई मुझे आई लव यू बोलेगा क्योंकि कैनेडियन जो होने वाला हूं मैं। टूटी हुई कुजी की तरह का मुंह बना लिया था तेरी दादी ने। वो बिशी, उसके तो गले में गुलाब जामुन अटक गया था। मैंने तो मिठाई के सारे फोटो अपलोड कर दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में। बस पुत्र चुप के रह, ये तेरा जो अब्बा है ना, बस ये अपनी कंजूसी तरह सेट पे रख देना तो मैंने भी बड़ा वधिया ब्याह करना है। अरे बेबे आपको पता है नन्नी भी यही कहती थी कि बहुत धूमधाम से शादी होनी चाहिए। हाय उससे पूछ ली जरा, पता कर नहीं कहीं ऐसा ना हो लड़की का प्यो जो है उसका भी हमारे कफायत की तरह दिमाग के अंदर घुसा हो, कीड़ा बचतोगा। अरे बेबे बेबे आप ही कुछ ख्याल कर लें, हिसाब किताब देखें, मुझे कारोबार में घाटे पे घाटा हो रहा है। तेरे प्यो को कहा भी था कि ये जो कीड़े मार दवाइयों का कारोबार है ये मेरी लात को दे दे और वक्तों को दे दे कुकड़ियां, पर कामा लड़ गया कि नहीं जी मुर्गी खाना तो मैं ही लूंगा, हूं करो मजे। अरे किफायत भाई आप क्यों टेंशन लेते हैं हमका, जब हादी शादी होकर चला जाएगा ना कनाडा तो बहुत सारे पैसे कमा कर भेजेगा हमें। अल्लाह करे अल्लाह करे। अब बेबे कल आप गई थी छोटी अम्मा की तरफ? हाँ गई थी मैं, बल्कि मैं तो कल जाके फूक मार के ना उसका दीवा बुझा आई। उन जो करना है कर लो, अब इसका तो तीनों फफे कुटने बैठ के सिर जोड़ के सीना कू भी कर रही होंगी, मातम हो रहा होगा उधर, मातलमी इजलास चल रहा होगा। ये ले खा के देख मीठी। बेबे वैसे ये अनार ठीक नहीं है गले के लिए। हाँ मैं खुदा दा वास्ता ही खा ले, मसाए उन्हें भेजे हैं मैंने नहीं खरीदे। अच्छा 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 फिर तो अब तो तुझे मीठे लगे। तो अल्लाह पूछेगा नन्नी फुप्पो को। वो कमबख्त तो पैदा ही मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए हुई थी। शादी का फैसला भी गर्दन पे अंगूठा रख के करवाया था उस कन खजूरे के साथ। तो
तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं भाई? नहीं, मैं सोच रहा था सरकार कि पुपो आपकी सगी है, लेकिन मुंह मुंह सोतेलों को लगाती है वजह। बाप तुम्हारा सगा है और मुंह तुम्हारे बाकी भाइयों को लगाता है, इस पर भी गौर करना कभी। पॉइंट पॉइंट। तू किस खुशी में इतने तस्वे बहा रही है? ऐसे ही अम्मा अब्बा याद आ रहे थे। इतना डैडी इमोशनल। कर देती अम्मा फाजी का रिश्ता वहां। भाड़ में गया ऐसा सोना जिससे कान टूटे। मैं तो कभी अपने मिठल को सात समंदर पार ना भेजूं, होटलों में दूसरों के झूठे बर्तन मांजने। भाई कुछ भी हो, बेबे ने बाजी मार ली है। तो क्या करें, हम अचार डालें? क्या चल रहा है यहाँ? भैया वो ननी पुप्पो ने आपको कुछ बताया है हादी के रिश्ते के बारे में? मुझे क्यों बताएंगी, मेरा थोड़ी है रिश्ता। लेकिन इंशाल्लाह सिरे तो नहीं चढ़ेगा ये रिश्ता। बुल की दुआ लगे ना लगे, बद्दुआ तो लगती है गोली की तरह। तौबा करें आपा, मैं जा रहा हूँ किश्वर चाची को मुबारकबाद देने। आप लोग जारी रखें अपना मातमी इजलास। धमाके हो रहे हैं मेरे सर में, हाई ब्लड प्रेशर महंगाई की तरह ऊपर जा रहा है। कद्दू 2000 रुपए होंगे। रिश्ता आदि भाई का हुआ कनाडा में, मेरा नहीं हुआ। उधार मांग रही हूँ, वो मेरी दोस्त है ना नीली, उसकी सालगिरह है, उसके लिए गिफ्ट लेना है। एक तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी नीली पीली की सालगिरह आ जाती है, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तो ऐसे परेशान हो जैसे तुम्हें गुर्दा बेचने का कह दिया है। अच्छा सुनो 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 सुनो, रात को चाचा के अकाउंट पर डालते हैं डाका, प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पे, खबरदार जो उस मिर्ची को बताया एमी चिपक जाती है बीच में। यार मुझे अभी चाहिए ना, अभी क्या करूं, वो जोया का ड्राइवर भी आता ही होगा, हम सारी दोस्तों ने मिलके जाना था उसके लिए गिफ्ट लेने। नहीं है मेरे पास पैसे यार, जाओ। यार कद्दू। हां भाई क्या लॉन कॉन्फ्रेंस चल रही है? हां फाजी भैया वो 2000 रुपए होंगे, उधार चाहिए। किस खुशी में? वो मेरे कॉलेज का गेटकीपर है ना, उसकी यतीम बेटी की शादी है, तो हम सारे दोस्त मिलकर उनके लिए पैसे जमा कर रहे हैं। एक सेकंड, अगर उसका बाप जिंदा है तो यतीम कैसे हुई वो? नहीं वो शायद उनकी ना सगी औलाद नहीं है, वो उनके बड़े भाई की बेटी है, वो परेशानी में कंफ्यूजन हो गई। ये लो पकड़ो। थैंक यू। सॉरी। लगा दिया चूना सास जी को। चूना तो रहेगा रात में अब्बा को, अभी बर्थडे पे जाने के लिए कपड़े भी तो चाहिए बहन को। दुआ करो मेरा अंडर 19 में सिलेक्शन हो जाए, अल्लाह की कसम हर महीने 500 रुपया दूंगा अपने सर पे से वार के, पक्का। 500 में ना बच्चों यही दुआ मिलेगी कि क्रिकेट ग्राउंड में तुम्हें खिलाड़ियों को पानी पिलाने की नौकरी मिल जाए। ओ मेहनत कर, हसद ना कर। बुआ ने हादी वाले रिश्ते की बात को ना अपने दिल पे लगा के रख लिया है। अम्मा का ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, मैं तो कहता हूँ घर के अंदर कोई हम दम दरूद करवाते, वरना घर के अंदर यूं मनहूसियत छाई रहेगी। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन बुलवाऊं किसको? एक औरत है अम्मा छूमंतर के नाम से, एक ही हवा के अंदर वो सारी हवाई चीजें उड़ा देती है, कहो तो मैं उससे गल करे सर। फ्रॉड होती है ऐसी औरतें। भूल गई तुम्हारे मियाँ ने भी तावीज करवा कर लिया था तुम्हारा रिश्ता? हाँ जाहिरी बात है, होशो आवाज में ऐसे भीख मंगों को कौन देगा रिश्ता। मिस्कीन भाई। जी भाई। महबूब आपके कदमों वाला भी देती है क्या वो तावीज? अरे महबूब कदमों में क्या, कब्र तक भी पहुंचा देगा उनका तावीज। बस आपा मैं तो कह रही हूँ फौरन बुला ले इनको, कल का मामला निपट जाए फिर देखूंगी मैं। अरे बुआ को जाके देख लो, उन्होंने इतनी बड़ी डिप्रेशन अपने आप को लगा ली है। फाजी के काम जाकर देखो, बेबे के घर जाकर बैठ गया, कोई अंदाजा ही नहीं है बहनों के दिल पे क्या छुरियां चल रही हैं इस वक्त। आपा कल वाला रिश्ता फाइनल कर देते हैं। अरे शुक्र है तुमने भी कोई चीज फाइनल की, वरना आज तक जितने भी रिश्ते आए वो तो सेमीफाइनल में आउट हो गए। ये देखे आपा, ये देखे सारा पानी गिरा दिया फ्लोर पे। जी अम्मा की हालत देख कर आओ, हर वक्त खवातीन में घुसे रहते हो। आपने ही तो कहा था कि मैं बर्तन धोऊं, इधर बर्तन ही तो धो रहा हूं मैं, घर दबी चुलता बटो। क्या हो गया, कोई नया शोशा छोड़ दिया क्या सोशल मीडिया पर? मिशी अभी ने स्टेटस लगाया है फीलिंग सैड का। हाय बख्तो तो मरने वाली होगी वैसे। आहिस्ता बोले, यहीं कहीं घूम रहा है उस्ताद जी। ले भी मिर्ची ला दे स्टेटस री शॉपिंग। बेबे लेकिन हम तो घर पर हैं। दूर फटे मुंह है, ऐसे जाली स्टेटस लगाने होते हैं बख्तों को चढ़ाने के लिए, उसको मिर्चे लगेंगी। लगा 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 दिया, फाड़ देगी। कनीस कल बाजार का चक्कर ना लगा ले। क्या फायदा शॉपिंग का भाभी, फोन पे होना है निकाह और फिर रुखसत होके उसने बाहर चले जाना है। अरे ऐसे खाली हाथ तो लटकाते हुए नहीं जाएगा ना, कम से कम 8-10 जोड़े तो भेजूंगी ना दुल्हन के लिए।
भाभी वहाँ की लड़कियाँ यहाँ के कपड़े नहीं पहनती। अच्छा ना पहने, मगर हमारे भी तो कुछ अरमान है। हमारे तो अरमान खारत हो गए, पता नहीं क्या क्या सोचा था हादी की शादी के लिए। अम्मी हुजूर, हादी भैया कह रहे हैं चाय बना दें। जी मलिका आलिया, कनीज चाय बना देती है, बल्कि चांदी के प्लेट में सोने की बिस्किट भी रख दूंगी। मजाक कर रही है। शुरू किसने किया था? चाय तो नहीं बना सकती, बर्तन तो किचन ले जा सकती हो। अच्छा ना, काम चोर के कि कुछ भी नहीं सीखा मैं तो, पता नहीं क्या। क्या कर दिया बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, वो ताई में कपड़े लेके बीच में आ गई थी। अरे मैं तो पहले से बैठी हुई थी बेटा। स्टील के बर्तन दूंगी तुम्हें जहेज में, अब शक्ल क्या देख रही हो, साफ करो कचरा। शादी तो करवा दें आप पहले, मेरी किसी तरह पढ़ाई से तो जान छूटे, और बर्तन चाय आप ना दीजिएगा, मैं ना होटल से मंगा के खा लिया करूंगी। सलाम अलैकुम। अरे बच के बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। हाँ खैर मुबारक बेटा, लेकिन एक बात है, तुम्हारे घर से कोई झूठे मुंह में मुबारकबाद देने नहीं आया। वो एक्चुअली अम्मा की तबीयत थोड़ी खराब है, वो कल चक्कर लगाएंगी ना। अरे क्या कर रही हो? वो कांच, तुम हादी के साथ बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। बेटा खिड़कियां देख के सुनो, आजकल पढ़ने क्यों नहीं आ रही हो? क्या इससे तो कहा था तुमने छुट्टियां दे दी है। वो मोटर काफी देर के खुली, बंद करके आती हूँ। रुको रुको, कितने जा रही हो, सफाई करो तुम। कभी नहीं सुधरेगी रहेगी है। क्या करूंगी मिस का? अरे भिंडी देख के नहीं चल सकती क्या? हटो पीछे, वैसे उस्ताद जी के हाथों फंसते फंसते बची हूँ मैं। क्यों, उनको पता चल गया कि तुमने जो पैसे बटोरे थे वो चौकीदार की बेटी के लिए नहीं, अपनी दोस्त के तोहफे के लिए लिए थे? मीनू को पकड़ना ना मुश्किल ही नहीं, ना मुमकिन। पीछे देखो जरा। क्यों, पीछे मौत का फरिश्ता है? देख तो लो। Thank you.